Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone. Today's topic is stream cipher. In this video, we will learn how stream cipher will works. Let's start with this. Stream cipher. In a stream cipher where plain text digits are combined with the pseudo random cipher digit stream called key stream. Each plain text digit is encrypted one at a time with the corresponding digit of the key stream using exclusive OR operation. अच्छा इसमें होता क्या है जी स्ट्रीम साइफर में जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है उसके जो डिजिट्स होते हैं उनको हम लोग कंबाइन कर लेते हैं जो हमारी की होती है वो बेसिकली सुडो रैंडम के थ्रू जनरेट की होती है उसके जो डिजिट्स होते हैं उसके साथ हम लोग कंबाइन करते हैं ठीक है अच्छा ईच जो प्लेन टेक्स्ट का जो डिजिट होता है ठीक है उसको क्या करता है वो इनक्रिप्ट करता है वन बाई वन जो आपके की स्ट्रीम के डिजिट्स होते हैं उनके साथ ठीक है यूजिंग हम लोग एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशन के थ्रू ये करते हैं ठीक है इट इज़ अ सिमेट्रिक की साइफर जो स्ट्रीम साइफर बेसिकली सिमेट्रिक एल्गोरिदम के अंडर आता है ठीक है अच्छा हम अब देख लेते हैं कि स्ट्रीम साइफर काम कैसे करता है सबसे पहले तो मैं प्लेन टेक्स्ट लूँगा प्लेन टेक्स्ट मेरे पास कोई भी लिया जा सकता है मैंने यहाँ पे एक मून ले लिया ठीक है आप कुछ भी ले सकते हैं ठीक है नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा एम जो फर्स्ट डिजिट है उसको उठाऊँगा और उसको कन्वर्ट करूँगा बाइनरी में ठीक है जब मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है ठीक है सेम वे मैं क्या करूँगा फिर मैं सारे डिजिट्स जो हैं उनको कन्वर्ट करूँगा ये मेरे पास पहले M की कन्वर्जन होगी ये बाइनरी में फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं O को कन्वर्ट करूँगा फिर O को कन्वर्ट करूँगा एंड देन N को कन्वर्ट करूँगा इस तरह मेरे पास जो प्लेन टेक्स्ट था ठीक है उसको मैंने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लिया सारा का सारा ठीक है नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या जी हमें एक की चाहिए होती है मैंने यहाँ पर फोर डिजिट की ले ली है ठीक है IL27 कोई भी रेंडमली ली जा सकती है की ठीक है और फिर इसी तरह ही मैं उसको भी एक एक डिजिट्स को की के कन्वर्ट करूँगा बाइनरी के अंदर ठीक है और यहाँ पे मैंने इसको ये जो फोर डिजिट्स हैं इन सबको मैंने कन्वर्ट कर लिया है बाइनरी के अंदर ठीक है अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे जो हमारा प्लेन टेक्स्ट की बाइनरी है और की बाइनरी है इसके दौरान हम लोग XOR ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ठीक है तो इस तरह हमारे पास जब ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको XOR ऑपरेशन का तो पता ही होगा ठीक है वेरी सिंपल अगर 00 हो तो फिर 0 वैल्यू आती है 11 हो फिर भी 0 आती है अगर 0 और 1 हो तो फिर 1 आती है इस तरह 1 और 0 हो तो 1 वैल्यू आती है तो इस तरह ये सारी की सारी इस XOR ऑपरेशन के थ्रू ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली गई है ठीक है नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरे पास XOR किया है हम लोगों ने ऑपरेशन और उसके जो वैल्यू आई है इसको हम लोग फिर बाइनरी से दोबारा से टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे ठीक है अच्छा टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो फिर हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बेसिकली साइफर टेक्स्ट आ जाएगा ठीक है तो हमने क्या किया कि हम लोगों ने प्लेन टेक्स्ट मून था और हमारे पास की ये थी ठीक है उन दोनों को हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट किया फिर XOR ऑपरेशन परफॉर्म किया और जो रिजल्ट आया उसको फिर उस बाइनरी को दोबारा से टेक्स्ट में कन्वर्ट किया और जो टेक्स्ट हमारे पास आया वो बेसिकली हमारे पास फाइनल साइफर टेक्स्ट आया अच्छा इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ जो की साइज़ होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो फोर डिजिट की हो या जितने साइज़ का आपका प्लेन टेक्स्ट है वही साइज़ हो ये बड़ी भी हो सकती है कम भी हो सकती है एक्चुअली होता ये है कि यहाँ पे एक और एल्गोरिदम परफॉर्म होता है जिसे हम लोग सूडो रैंडम जनरेशन एल्गोरिदम कहते हैं तो की जो भी होगी आपकी वो पहले इसके अंदर जाती है या फिर एक रैंडमली वो क्या करता है डिजिट्स जनरेट करता है ठीक है वो जो डिजिट्स होंगे वो यहाँ पर आएंगे ठीक है सारे के सारे इसके साथ ठीक है जो आपका प्लेन टेक्स्ट का साइज़ होगा उसी साइज़ के ही वो रेंडमली की के बाइनरी जो है वो जनरेट करता है ठीक है तो की का साइज़ कोई भी होगा ठीक है कम होगी बड़ी होगी साइज़ ठीक है फोर में है एट में है टेन डिजिट्स में दिया गया है तो उसको वो एक्चुअली यहाँ पे कन्वर्ट करके रेंडमली जनरेट करके एक नई बाइनरी की हमारे पास आएगी ठीक है जब वो बाइनरी की आ जाएगी तो फिर हम लोग सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं XOR का और हमारे पास जो रिजल्ट आता है फिर उसको हम लोग बाइनरी टू टेक्स्ट कन्वर्ट करते हैं हमारे पास साइफर टेक्स्ट आता है तो एक्चुअली इस तरह स्ट्रीम साइफर काम करता है आई होप यू लर्न हाउ स्ट्रीम साइफर वर्क्स इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू